भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सके, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्ला केर के पास उलार्थी कुआलू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इसरो के सूत्रों ने बताया कि छल्ला केर इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी किया है। हमें उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सके, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जांच कर सके। इसमें लैंडर सेंसर्स परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा, इसकी वजह से हमें लैंडर की कार्य क्षमता का पता चलेगा। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 मिशन भी अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि में ये सेंसर्स मदद करेंगे। इन नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। उनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए चंद्रयान 3 के सेंसर्स पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। इसरो के अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार लैंडर का परीक्षण इसरो सैटेलाइट नेविगेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हैं। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि यह कितना उपयुक्त परीक्षण होगा और इसके क्या नतीजे आएंगे, लेकिन परीक्षण करना तो जरूरी है ताकि चंद्रयान 2 वाली गलती न होने पाए। आपको यह खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।